दोस्तों, ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ और चुको यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था, ये नारायणी देवी ईशानी और समस्त शक्तियों के स्वरूप वाली है थी। वो परमात्मा कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी थी। वो देवियों की बीज रूप वाली थी और मूल प्रकृति ईश्वरी परिपूर्णतमा तेज के स्वरूप से समन्वित तथा त्रिगुणात्मिका थी। ये तपे हुए सुवर्ण के वर्ण के समान आभा वाली और करोड़ों सूर्य की प्रभा के सम प्रभा वाली थी। अल्पहास्य से युक्त प्रसन्न मुख वाली और एक सहस्त्र भुजाओं से युक्त थी। वो तीन नेत्रों वाली देवी अनेक भांति के शस्त्र और अस्त्रों के समूह को धारण करने वाली थी। वही के समान विशुद्ध वस्त्र के परिधान से युक्त और रत्न के भूषणों से विभूषित थी, जिसके अंशांश कला से संसार की समस्त स्त्रियां हुई थी। ये सर्वत्र संपूर्ण विश्व में स्त्रियां संस्थित हैं, जिनके माया से सभी लोग मोहित रहा करते हैं। गृह में निवास करने वाले गृहस्थों को जो कि कामी हैं, अर्थात काम वासना रखते हैं, उनको सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। जो वैष्णवी देवी है वो वैष्णवों को कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली होती है। जो मोक्ष पद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली मुमुक्षुओं को यह मोक्ष प्रदान करने वाली है और सुखोपभोग करने की इच्छा रखने वालों को यह देवी सुख का प्रदान भी उसी भांति करने वाली है। स्वर्ग में वही स्वर्ग लक्ष्मी है और घरों में ये गृह लक्ष्मी है। तप करने वाले तपस्वियों में वो तपस्या रूप वाली है और राजाओं में श्री का रूप धारण करने वाली है। और जो अग्नि में दहिका रूप वाली तथा भास्कर में प्रभा के रूप वाली थी, चंद्र में शोभा के स्वरूप धारण करने वाली और वही पद्मों में सुंदर शोभा के रूप वाली है तथा परमात्मा श्री कृष्ण में वही सब प्रकार की शक्ति के स्वरूप धारण करने वाली थी, जिसके द्वारा ये आत्मा शक्ति वाला है और जिसके द्वारा ये समस्त जगत शक्तिमान होता है। इस बिना तो ये संपूर्ण जगत एक मृतक की भांति ही स्थित होता है। हे नारद, जो इस वृद्ध संसार की बीज रूप वाली है वो सनातनी है, स्थिति रूपा, बुद्धि रूपा और फलों के रूप वाली है। वो शुदा पिपासा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, धृति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भांति और कांति आदि के रूप वाली है। उसने सर्वेश्वर की स्तुति करके वो फिर उन्हीं के आगे संस्थित हो गई थी। राधिका के ईश्वर ने उसके लिए संस्थित होने को रत्न का सिंहासन दिया था। उसी अंतर में वहाँ पर अपनी स्त्री के साथ पद्मनाभ चतुर्मुख हे मुने भगवान की नाभि में स्थित पद्मनाल के पद्म से पुबान निकला था। ये श्रीमान हाथ में कमंडलू लिए हुए थे, तपस्वी और ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ थे। चतुर्मुख ने ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते हुए उसकी स्तुति की थी। सुंदरियों में परम श्रेष्ठ सुंदरी, जिसकी शरतकाल के चंद्रमा के समान प्रभा थी, अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र का परिधान धारण करने वाली, रत्नों के निर्मित भूषणों से समालंकृत होने वाली थी। सबके कारण स्वरूप की उसने स्तुति की और फिर वो अत्यंत सुरभ्य रत्नों से जटित सिंहासन पर कृष्ण के आगे परम प्रसन्नता से अपने स्वामी के साथ संस्थित हो गई थी। इसी अंतर में वो कृष्ण दो रूप वाले थे। उसका वामांगन आधा जो था उससे वो महादेव हो गए थे और जो दक्षिण अंग का अर्धभाग था उससे गोपिकाओं के पति हो गए थे। महादेव का वर्ण विशुद्ध स्फटिक मणि के समान था और वो 100 करोड़ सूर्य की प्रभा के समान आभा से युक्त थे। त्रिशूल और पट्टीस आयुधों को हाथों में धारण करने वाले थे और हर शरीर पर बैग्रे के चर्म को ओढ़े थे। तपे हुए सुवर्ण के वर्ण के सदस्य आभा वाली सुनहली जटाओं के भार को धारण करने वाले, पर और भस्म के शरीर पर मले हुए थे तथा स्थित से युक्त और मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए थे। शिव दिवंगर नग्न स्वरूप वाले थे। इनके कंठ में महाविष का कालकूट के चिन्ह होने से नीलापन था, मतलब शिव नग्न थे।
कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे शरीर पे। ये सर्पों के भूषणों से अपने आप को भूषित करने वाले थे। इनके दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्नों की माला थी। महादेव अपने पांच मुखों के मंडल से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे, जो कि इनका उपास्य देव सत्य स्वरूप वाला परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण ही थे। इन्हीं का जाप ये करते थे। ये श्री कृष्ण कर्णों के भी कर्ण स्वरूप और संपूर्ण मंगलों के भी मंगल थे। जन्म मरण शोक जरा व्याधि और भय के हरण करने वाले परात्पर थे। ऐसे अपने उपास्य देव को, जो मृत्यु के भी मृत्यु रूप थे, उनका संस्थापन करके जन्म ग्रहण करने वाले मृत्युंजय नामक हर हरि के आगे सुंदर सिंहासन पर संस्थित हो गए थे। नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में विश्व के निर्णय का वर्णन किया जाता है। श्री नारायण ने कहा, इसके अनंतर जितनी ब्रह्मा की अवस्था होती है उतने समय तक वो डिम्ब जल में स्थित रहकर फिर अपना समय आने पर सहसा वो दो रूप वाला हो गया था। उसके मध्य में एक छोटा सा शिशु था जो सतकोटि सूर्य के समान प्रभाव वाला था। क्षण भर के वो स्तनांध शुदा से पीड़ित होता हुआ रुदन करने वाला हो गया था। वो उस समय माता और पिता के द्वारा परित्याग किया हुआ जल के मध्य में आश्रय से हीन था। जो वो ब्रह्मांड का नाथ था उस समय एक अनाथ की भांति ऊपर की ओर देखने लगा था। वो भी स्थूल से भी स्थूलतम और नाम से महाविराट देव था। जिस तरह सूक्ष्म से परमाणु होता है वैसे ही ये तथापि स्थूल से पर था। परमात्मा कृष्ण के तेजो का ये 16वां अंश था। ये प्राकृत महाविष्णु असंख्य विश्व का आधार था। इसके प्रत्येक रोम छिद्र में समस्त विश्व है, तथापि उनकी संख्या को बताने के लिए कृष्ण भी समर्थ नहीं होते हैं। रज के कण समूह की यदि कोई संख्या की जाए तो कदाचित वो हो सके, किंतु विश्व की संख्या तो किसी भी प्रकार से कभी नहीं की जा सकती। तो महाविष्णु की संख्या बताने में कृष्ण भी समर्थ नहीं है, कृष्ण भी काबिल नहीं है, कहने का मतलब जिस तरह विश्व की। तो यहाँ पे महाविष्णु को बड़ा बताया जा रहा है, जो जिसको आत्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, शायद उपनिषदों में मैंने पढ़ा था, अष्टावक्र गीता या भगवद गीता में। जिस तरह विश्व की संख्या नहीं की जा सकती, उसी भांति ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की संख्या नहीं बताई जा सकती। इन सब की असंख्यता इतनी विशाल है, मतलब करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव होंगे। विश्व असंख्य है और उन असंख्य विश्वों में प्रत्येक विश्व में इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि भी होते हैं। पाताल से ब्रह्मलोक के अंत तक ब्रह्मांड बताया गया है। उसके ऊपर के भाग में वैकुंठ लोक है, जो कि इस ब्रह्मांड से बाहर ही होता है और वो सत्य स्वरूप वाला है, जिस प्रकार से निरंतर नारायण होते हैं। इस वैकुंठ लोक से भी ऊपर के भाग में गोलोक धाम है, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। ये गोलोक धाम नित्य सत्य स्वरूप वाला है। जिस प्रकार से कृष्ण का स्वरूप होता है, ठीक उसी प्रकार से उनके गोलोक धाम का भी होता है। ये पृथ्वी तल का मंडल 7 द्वीपों में सीमित है और ये 7 महासागरों से संयुक्त है। इस पर 49 उपद्वीप होते हैं और ये असंख्य पर्वतों से समन्वित है। ऊपर के भाग में ब्रह्मलोक से युक्त 7 स्वर्लोक होते हैं और नीचे के भाग में पाताल भी 7 हैं। इस प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें नीचे और ऊपर वाले 14 भुवन होते हैं। इस धरा से ऊपर पहले भूलोक है, इसके पश्चात भूबरलोक है और उससे आगे स्वर्लोक है, उसके पीछे महरलोक है और उससे ऊपर जनलोक है, जनलोक से ऊपर तपोलोक है और उससे ऊपर के भाग में सत्यलोक स्थित है। इन 7ों लोकों के ऊपर ब्रह्मलोक स्थित होता है, जो कि तपे हुए सुवर्ण के समान निर्मित है। इस प्रकार से ये सब कृत्रिम है और धरा के अभ्यंतर में ही है। हे नारद, इस धरा के विनाश होने पर सभी का विनाश हो जाता है। जल के बुदबुदों के समान ही समस्त विश्व के समुदाय अनित्य है। वैकुंठ और गोलोक ये दोनों नित्य है, सत्य है और निरंतर अकृत्रिम है।
इसके लोमों के छिद्र में प्रत्येक में निश्चित रूप से ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। ऐसे ये कितने ब्रह्मांड हैं, इनकी संख्या साक्षात कृष्ण नहीं जानते हैं। तो कृष्ण सब कुछ नहीं जानते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे, अन्य तो कोई इसे जान ही क्या सकता है, इसकी तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। मतलब अगर कृष्ण भी नहीं जानते तो और कौन जान सकता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब हुआ करते हैं। हे पुत्र, देवों की 3 करोड़ संख्या है जो कि सर्वत्र रहा करते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऋषि कह रहे हैं वो सच में सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी हैं। अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड में इतने ही देवगण रहते हैं। ईशाओं के स्वामी, दिशाओं के पालक, नक्षत्र और ग्रह आदि ये सब भी समस्त विश्वों में होते हैं और प्रत्येक में पृथक पृथक रहा करते हैं। इस भूमंडल में 4 वर्ण हैं और अधोभाग में चराचर नाग रहा करते हैं। इसके उपरांत समय आने पर ये विराट बार बार ऊपर की ओर देखता है। वहाँ पर अन्य डिम्ब और शून्य द्वितीय कहीं भी कोई नहीं है। फिर ये शुदा से युक्त होकर चिंता को प्राप्त हो गया था और बार बार रुदन करने लगा था। फिर इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान का लाभ करके उस समय में कृष्ण परम पुरुष का ध्यान करने लगा था। इसके उपरांत तो वहीं पर इसके सनातन ब्रह्म ज्योति का दर्शन प्राप्त किया था, जो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 2 भुजाओं से संबंधित पीत वस्त्र धारण करने वाले, मंद मुस्कान से युक्त मुरली हाथ में धारण करने वाले तथा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले थे। अपने जनक ईश्वर का दर्शन प्राप्त करके वो बालक प्रसन्न हुआ और हंस उठा था। उस वरों के स्वामी ने परम संतुष्ट होकर उसको समय पर उचित वरदान प्रदान किया था। उन्होंने कहा, हे वत्स, तू अब मेरे ही समान ज्ञान वाला और भूख प्यास से रहित हो जा, और जब तक इसका तप हो तब तक इस ब्रह्मांड में असंख्य निलयों वाला हो जा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू कामना से रहित, भय से रहित, सबको वर देने वालों में परम शेष, जरा मृत्यु, रोग, शोक, पीड़ा आदि से वर्जित हो जा। ये कहकर उसके दाहिने कान में 6 अक्षरों वाला महामंत्र 3 बार कहकर प्रजपित कर दिया था, जो कि आदि में परम वेदागम का एक श्रेष्ठतम था। इस मंत्र के आदि में ओम था और चतुर्थी विभक्ति जिसके अंत में थी, ऐसे कृष्ण ये 2 अक्षर थे। बहिज वाला, अंत वाला और इष्ट था। ये समस्त विघ्नों को हरण करने में सर्वोपरि था। ये मंत्र देकर फिर उस समय प्रभु ने उसके आहार की कल्पना की थी। हे ब्रह्मपुत्र, तुम सुनो और समझ लो, मैं तुमसे कहता हूँ। वैष्णव जन प्रत्येक विश्व में जो नैवेद्य है उसको समर्पित करते हैं। षोडशांश विषय वाले 25 दशांश विष्णु का निर्गुण आत्मा का और परिपूर्णतम कृष्ण का नैवेद्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जन जिस देव के लिए जो भी नैवेद्य समर्पित करता है वो देवता उस सब को खा जाता है, किंतु लक्ष्मी की दृष्टि से वो फिर वैसा ही हो जाया करता है। विभु ने उस श्रेष्ठ मंत्र को देकर महाविराट ने उससे कहा था, तुझे अन्य क्या अभिष्ट वर चाहिए, उसे मुझे बतला दो, सो उसे भी मैं तुझको दे देता हूँ। वहाँ पर दांतहीन बालक था, उसको समय के लायक वचन था। महाविराट ने कहा, मेरा यही वर है कि आपके चरण कमल में निश्चल भक्ति होवे, ये निरंतर रहे। जब तक मेरी आयु 2 अथवा क्षण भर के लिए अथवा अधिक समय तक रहे, आपकी भक्ति से हीन जो पुरुष है वो महामूर्ख है और वो जीता हुआ भी मृत ही होता है। उस जब तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तीर्थ के सेवन से क्या लाभ है, जिससे कृष्ण की भक्ति का भाव ना हो, वो चाहे उपयुक्त कर्म कुछ भी ना क्यों ना करने वाला हो। ऐसे कृष्ण की भक्ति से विहीन मूर्ख का तो समस्त जीवन ही व्यर्थ होता है। जिसने जीवित रहते हुए अपनी आत्मा के द्वारा उसको ही नहीं माना है, उसका जीवित रहना निष्फल है। जब तक इस नश्वर शरीर में इस आत्मा का निवास विद्यमान रहता है, तभी तक वो शक्ति से संयत होता है। इसके अंदर से आत्मा के निकल जाने पर शक्तियाँ स्वतंत्र नहीं रहा करती हैं। हे महाभाग, वो और तू सर्वात्मा प्रकृति से पर वस्तु है। वो स्वेच्छामय और सबका आद्य सनातन ब्रह्म ज्योति है। हे नारद,
वो बालक इतना कहकर विराम को प्राप्त हो गया था। फिर कृष्ण परम मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली प्रत्युक्ति बोले थे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सुचिर और सुस्थिर रहो, जैसा मैं हूँ वैसा ही तू हो जा। ब्रह्म के असंख्यात होने पर तेरा पात नहीं होगा। प्रति ब्रह्मांड में हे पुत्र, तू विराट हो जा। तेरे नाभिस्थल कमल नाल के संपूर्ण पद्म से विश्व का सृजन करने वाला ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा के ललाट में शिव के अंश से एकादश रुद्र सृष्टि के संचरण करने के लिए होंगे। उन एकादश रुद्र में ही एक कालाग्नि नामक रुद्र भी होगा, जो इस सृष्टि के संहार का करने वाला होगा। शुद्धांश से विषय विष्णु पालन करने वाला होगा। वो मेरी शक्ति से सतत युक्त मेरे वर से होएगा, और वो ध्यान से कमनीय सुरभ्य मुझको निश्चित रूप से नित्य ही देखेगा, और वक्षस्थल के नीचे स्थित कमनीय माता का भी दर्शन करेगा। हे वत्स, तू यहाँ स्थित रहे, मैं अपने लोक को जाता हूँ। इतना कहकर वो अंतर्हित हो गए थे। तो इसका मतलब कृष्ण जो है वो भगवान के अंश यहाँ पे बताए गए हैं, अवतार नहीं। फिर स्वर्गलोक में जाकर ब्रह्मा और शंकर से बोले, जो सृष्टा थे और सृजन करने के कार्य के ईश थे तथा उसी क्षण में संहार के करने वाले थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, इस सृष्टि का सृजन करने के लिए जाओ, तुम सब नाभि पद्म के उद्यव वाले बनो। महाविराट, तो मतलब महाविराट ने विष्णु से कहा कि तेरे नाभि से विष्णु उत्पन्न होंगे। जो विष्णु को कहा वही कृष्ण थे ना, और विराट पुरुष जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो अलग है। महाविराट के और उसी का अंश विष्णु को कहा जाता है। महाविराट के लोमकूप अर्थात रोम के छिद्र में शुद्र विधि का श्रवण करो। फिर महादेव से कहा, हे वत्स, ब्रह्मा के भाव से उद्भव वाला बनो। हे महाभाग, अंश से स्वयं बहुत अधिक समय तक तप करो। तो मतलब शिव को भी विराट पुरुष ने कुछ आदेश दिया। विधि का सुत जगतों का नाथ ये कहकर विरत हो गए थे। फिर ब्रह्मा और शिव के देने वाले शिव उनको प्रणाम करके चले गए थे। महाविराट के लोक के छिद्र में ब्रह्मांड गोलोक जल में अब विराट के अंश से वो शुद्र विराट हुआ था। श्याम वर्ण वाला पीत वस्त्रधारी जल के शैया पर शयन करता हुआ था, जिनके मुख पर थोड़ी सी हास्य की रेखा थी, और वो प्रसन्न मुख एवं विश्व रूपी जनादन थे। उनके नाभिस्थित कमल में कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा हुए थे। ब्रह्मा ने जन्म ग्रहण करके युग का लक्ष्य करने वाला होता हुआ वो उस पद्म के दंड पर भ्रमण कर रहा था। वो पद्म से जन्म पाने वाला पद्मनाभ के दंड का अंत तक नहीं गया था। नाभि से उत्पन्न पद्म का भी अंत नहीं मिला तो वो पिता ये परम चिंता को प्राप्त हुए थे। वो फिर अपने स्थान पर आ गया और वो श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा था। इसके पश्चात ध्यान के द्वारा दिव्य चक्षु से उसने उस शुद्र का दर्शन, शुद्र यानी बहुत छोटा, क्या दर्शन किया था। वो जल की सैया पर शयन कर रहे थे और ब्रह्मांड गोलोक से आवृत जिसके लोम छिद्र में ब्रह्मांड को और ईश्वर को देखा था, वहाँ फिर उसने श्री कृष्ण का भी दर्शन किया था और गोप गोपियों से समन्वित गोलोक को भी देखा। फिर उसने उसका स्तवन किया और वर प्राप्त किया था। इसके अनंतर उसने सृष्टि की थी। फिर सृजन करने के समय ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि हुए थे। इसके पश्चात कपाल से रुद्र हुए थे, जो शिव के अंश स्वरूप और एकादश कहे गए हैं। शुद्र के वाम पार्श्व से पाता अर्थात पालन करने वाले विष्णु हुए थे, जो चार भुजाओं वाले श्वेत द्वीप के निवास करने वाले भगवान थे। शुद्र के नाभि पद्म में उसने ब्रह्म विश्व का सृजन किया था। स्वर्ग मर्त्य पाताल चराचर से युक्त तीनों लोकों का सृजन किया था। इस प्रकार से प्रत्येक लोमकूप में विश्व हैं और प्रत्येक विश्व में शुद्र विराट हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि हैं। हे वत्स, ये इस प्रकार से मैंने परम शुभ श्री कृष्ण का संकीर्तन तुमको बता दिया है, जो कि अति सुख का प्रदान करने वाला और मोक्ष का दाता सार रूप है। अब आगे तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो सो मुझसे कहो। सरस्वती पूजा विधान।
इस अध्याय में सरस्वती की पूजा का विधान और मंत्र का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा, गणेश की माता दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये इस सृष्टि की विधि में पांच प्रकार की प्रकृति बताई गई है। उसकी पूजा प्रसिद्ध थी और उसका प्रभाव परम अद्भुत था और इनका चरित्र तो सुधा के समान परम मधुर एवं समस्त मंगलों का कारण स्वरूप था। ये प्रकृति के अंश और कला के अंश थे और उनका चरित्र अत्यंत शुभ है। हे ब्राह्मण, मैं ये सब तुमको बताऊंगा, आप अति सावधान होकर इसका श्रवण करो। सुनो, वाणी वसुंधरा गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्र स्वाहा स्वधा दक्षिणा, ये सब तेज से रूप लावण्य से श्री गुणगण से मेरे ही समान हैं। संक्षेप से इनके चरित्र को सुनो, जो पुण्य प्रदान करने वाला और श्रवण करने में सुंदर है। जीवों के कर्मों के विपाक को भी बताता हूँ, जो परम सुंदर है और जानने के योग्य है। सबके आदि में सरस्वती की पूजा श्री कृष्ण ने विशेष रूप से निर्मित की है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस सरस्वती के प्रसाद से मूर्ख मनुष्य भी महापंडित हो जाया करता है। नारायण ने कहा, हे नारद, कान्व शाखा में कही हुई पद्धति को तुमसे कहता हूँ, तुम उसका श्रवण करो, जो कि जगत की माता सरस्वती देवी की पूजा की विधि से संयुक्त है। महामास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन में